हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एनपीसी पी सी द जर्नल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टूडेज टॉपिक इज ओनली ऑन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ओके विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ये जो है फाइनल पोर्शन है इस चैप्टर का चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज यूर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो स्टेट यून एंड वॉज दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होता है तो जनरली आपने घर में घरों में देखा होगा कि सम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस रिक्वायर्ड यूज एनर्जी एट वंस मीन्स कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको इनिशियली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है लाइक like फैन इलेक्ट्रिक मोटर एंड जो आप कैमरा फ्लैश करते हो फर्स्ट जब फ्लैश होता है लाइट निकलती है तब हाई एनर्जी यूज एनर्जी की ज़रूरत होती है ठीक है तो इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को एनर्जी एट वंस प्रोवाइड करने के लिए डिवाइस बनी जिसे कहते हैं कैपेसिटर ओके सो कैपेसिटर इज बेसिकली अस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटिंग मीडियम सिंपली वी कैन से द कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्जेस ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का है मीन्स कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्जेस को स्टोर करने का काम करती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है ठीक है अब ये कैपेसिटर कैसे बनता है तो ये जो कैपेसिटर है दिस इज मेड बाय द टू कंडक्टिंग प्लेट्स और टू कंडक्टिंग मटेरियल्स ओके मीन्स सपोज आपके पास ये टू कंडक्टर्स हैं ठीक है टू कंडक्टर्स हैं दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज ओके मीन्स कंडक्टर ए पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक like दैट एंड कंडक्टर बी पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस सिस्टम को जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का है इस सिस्टम को ही कैपेसिटर बोलते हैं अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम वन बाई वन देखेंगे ठीक है यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज एंड द पोटेंशियल अब चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी ऑब्वियसली होंगी ठीक है अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मीन्स पोटेंशियल भी होगा उस कंडक्टर का ओके सो पोटेंशियल इज़ वी वन हम वी वन कंसिडर करते हैं एक कंडक्टर के लिए एंड सेकेंड कंडक्टर बी के लिए पोटेंशियल वी टू कंसिडर करते हैं ठीक है सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ वी इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट कर देते हैं ओके okay. एंड यस yes, ये जो आप शेप देख रहे हैं कंडक्टर का ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने इस तरह से आपको बनाया है कंडक्टर तो यही शेप होगा ठीक है डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट डिफरेंट शेप के कंडक्टर्स हो सकते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं एक क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ओके एंड कैपेसिटेंस इज इक्वस टू बेसिकली इज इक्वस टू सी इज इक्वस टू क्यू बाई वी मीन्स कंडक्टर में प्रजेंट चार्जेस एंड पोटेंशियल का जो रेशियो है विच इज इक्वस टू अ क्वांटिटी सी एंड दैट इज सेट टू बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ओके मीन्स सी इज कॉल्ड कैपैसिटेंस कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है द एबिलिटी कैपेसिटर की एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज मीन्स कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हुआ है उसकी एबिलिटी उसकी कैपेसिटी को शो करने वाली एक क्वांटिटी है एंड विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ओके सी को क्या बोलते हैं हम कैपेसिटेंस अब ये जो कैपेसिटेंस है ये इसका जो फॉर्मूला हमने दिया है Q बाई वी क्यू इज चार्ज एंड V इज पोटेंशियल अब जो फार्मूला जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था वी इज इक्वल टू आर आई ठीक है ये टेंथ में हमने ओम स्लो में ये फार्मूला पढ़ा था ठीक है वी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई तो कॉन्स्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया आर आर इज क्या होता है रेजिस्टेंस ओके एंड रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई करंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वी बाई आई बट इट इज नॉट डिपेंड ऑन वी एज वेल एज आई सिमिलरली कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एज वेल एज वी ओके सी इज इनडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी सी जो है वो क्यू एंड वी पर डिपेंड नहीं है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स है ठीक है मतलब कि अगर आपके पास ये, ये इस तरह का एक कैपेसिटर है तो उसमें चार्जेस की जो वैल्यू है और पोटेंशियल की वैल्यू है वो फिक्स है ठीक है मीन्स कोई भी अगर आप मार्केट से कंडक्टर लेने जाओगे सॉरी कैपेसिटर लेने जाओगे तो उसमें जो चार्जेस हैं उसकी जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स है डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फिक्स होती है आप उसकी कैपेसिटी को और बढ़ा नहीं सकते ठीक है या वेरिएबल कैपेसिटेंस की बात अलग है उसमें आप डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लगाकर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं बट एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का जो चार्ज है या कैपेसिटेंस है वो इनिशियली या फिर एक पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फिक्स्ड होता है उससे आप बढ़ा नहीं सकते उसमें और चार्ज मिक्स करके और चार्ज ऐड करके उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा नहीं सकते ठीक है अब अगर आपने चार्जेस और ऐड किए कैपेसिटर में तो क्या होगा ठीक है तो वो प्रोसेस देखते हैं दे देखिए इसका ई टू क्यू बाई वी मीन सी जो है अगर आपने क्यू की वैल्यू को इंक्रीज किया चार्ज को इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा इसका मतलब ये है एंड वी पोटेंशियल को आपने इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा ठीक है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है आपको चार्ज की वैल्यू ज्यादा लेनी है कैपेसिटेंस के लिए और पोटेंशियल की वैल्यू कम लेनी है ठीक है अब वो कैसे होगा तो देखो हमने एक कंडक्टर लिया अब इस कंडक्टर में इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 कुलम की 100 कुलम चार्ज को वो स्टोर कर सकता है इससे ज़्यादा अगर आपने चार्ज दिया 101 दिया तो क्या होगा इस कंडक्टर के अराउंड एयर है ठीक है आप कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल ले ले उसके अराउंड क्या है एयर है तो एयर के जो मोलिक्यूल्स हैं एयर के जो आइटम्स हैं जैसे यहाँ पर आपने एक एयर का आइटम ले लिया ठीक है एयर के एटम जो है वो पोलराइज हो जाएंगे मीन्स पोलराइज का मतलब क्या होता है कि उसके जो एटम है पॉजिटिव एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो डिवाइड हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे ठीक है अब नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा इस इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ ठीक है और यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण पॉजिटिव चार्ज हो हो जाएगा ठीक है तो ये अट्रैक्ट होगा तो इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका जो चार्ज है जो, जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एक कम हो जाएगा ठीक है मान लो 100 था आपने एक चार्ज और बढ़ाया तो 101 हुआ बट नेगेटिव की वजह से वापस से वो माइनस हो गया तो वापस उतना ही आपके पास चार्ज आया ठीक है और बढ़ाएंगे तो और ये प्रोसेस चलती रहेगी तो क्या हुआ इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है मीन्स उसमें चार्ज की वैल्यू है वो फिक्स होती है ठीक है आप अगर और ज़्यादा ऐड करना चाहेंगे चार्ज तो चार्ज की लीकेज स्टार्ट हो जाएगी ठीक है इसको बोलते हैं चार्ज का लीकेज होना ओके तो आप ऐड नहीं कर सकते एक फिक्स्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ओके एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अब बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये कंडक्टर है वन ठीक है कंडक्टर वन एंड कंडक्टर टू अब क्या किया है? यहाँ पर आपको यहाँ आपके पास एक पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है और इस पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज को इनिशियली आपको यहाँ पर लाना है कंडक्टर टू से वन की तरफ तो क्या होगा आपको वर्क करना पड़ेगा सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंडक्टर इज इज टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट फ्रॉम द कंडक्टर टू टू वन ओके सो वर्क डन इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है पोटेंशियल अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा मतलब उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा इनिशियली क्यू नॉट को लाने के लिए तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो आप इजीली ले आएंगे बट फिर सेकेंड चार्ज को लाने के लिए आप इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा आपको ठीक है तो आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा फिर थर्ड चार्ज के ला, लाने के लिए उन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट होगा तो आपको और ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ठीक है तो क्या होगा कि जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ज्यादा आपको पोटेंशियल होगा ठीक है तो पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतनी ही कैपेसिटी कैपेसिटर की कम होगी ठीक है उतना ही कैपेसिटेंस कैपेसिटर का कम होगा ओके एंड सेकेंड वन इज सी इज डिपेंड अब सी इंडिपेंडेंट है क्यू एंड वी पे मीन्स जो सी का फार्मूला है क्यू बाई वी उन दोनों क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं तो सी किस पे डिपेंड है तो सी इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर ठीक है डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर ठीक है मीडियम मीन्स किस मीडियम में आप कंडक्टर को रख रहे हैं उस मीडियम पे डिपेंड करता है एंड डायमेंशंस पर डिपेंड करता है ओके okay. सो सी इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन एंड द मीडियम इसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ओके okay. uh, इसके पहले हम सी की यूनिट की बात कर लेते हैं सी की यूनिट ठीक है कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी सो चार्ज की यूनिट कुलम एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट सो so, कुलम पर वोल्ट ही इसे कुलम पर वोल्ट को ही फैराड बोला गया है ठीक है एक फिजिसिस्ट थे माइकल फेराडे उनके ही नाम पर कैपेसिटेंस की यूनिट का नाम रखा गया है फराड ठीक है फ़राड जो है वो इन प्रैक्टिस काफ़ी बिग यूनिट है बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है तो स्मॉल यूनिट के लिए हम माइक्रो फेराड यूज़ करते हैं ठीक है नैनो फेराड यूज करते हैं एंड पीको फेराड भी यूज़ करते हैं समटाइम्स ओके सो तो माइक्रो फराड इज इक्वल्स टू होता है टेन पावर माइनस सिक्स नैनो फेराड इज इक्वल टू टेन पावर माइनस नाइन फेराड एंड पिको फेराड इज इक्वल्स टू टेन पावर माइनस ट्वेल्व फेराड ठीक है तो ये जो स्मॉल क्वांटिटी जो हैं वो जनरली हम यूज करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ओके इससे इजी हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा यूनिट है ओके नाउ सिंबल की बात करें कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है तो कैपेसिटर जो फ़िक्स्ड कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस को आप बढ़ा नहीं सकते ठीक है तो फिक्स्ड कैपेसिटर के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ इन दिस वे ओके इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखे तो वो क्या है फिक्स्ड कैपेसिटर ठीक है उसकी कैपेसिटेंस को आप नहीं बढ़ा सकते हैं एंड वेरिएबल कैपेसिटर के लिए बात करें तो वेरिएबल कैपेसिटर को इस तरह से डिनोट करते हैं बस इसी तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है बट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है तो दिस इज शोइंग द वेरिएबल कैपेसिटर एंड दिस इज द फिक्स्ड कैपेसिटर ओके तो हमने कैपेसिटर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कैपेसिटर क्या होता है एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और यही एनर्जी जो है वो कुछ डिवाइसेस को देता है जो जिनको चलाने के लिए जिनको वर्क करने के लिए एक इनिशियली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उनमें कैपेसिटर यूज़ होता है ठीक है कैपेसिटर के बाद में फिर हमने कैपेसिटेंस पढ़ा एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर ओके सी इज इक्वस टू क्यू बाई वी एंड सी इज इक्वस टू क्यू बाय वी मीन्स क्यू इज चार्ज एंड वी इज पोटेंशियल सो वेन एवर द इंक्रीज ऑफ चार्ज चार्ज को इंक्रीज करेंगे, so करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा एंड पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा इस इक्वेशन का ये मतलब है और Q बाय V ये क्या है एक फिक्स क्वांटिटी होती है ये कॉन्सेंट टर्म होता है इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस और सी इंडिपेंडेंट होता है क्यू एंड वी के ठीक है सी की वैल्यू क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करती इट इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर एंड यूनिट की बात करें सो यूनिट इज इक्वल्स टू फराड ठीक है कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड एंड स्मॉल यूनिट्स तो माइक्रो नैनो एंड पीको फराड होती है एंड सिंबल फॉर फिक्स्ड कैपेसिटर इट इज शोइंग इन दिस वे एंड वेरिएबल कैपेसिटर इट इज शोइंग इन दिस वे ओके दिस इज सफिशियंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैपेसिटर नाउ एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैपेसिटर की जो साइज़ है शेप है उस पर कैसे डिपेंड रहता है ठीक है किस साइज का कैपेसिटर आप लेंगे कि उसका कैपेसिटेंस आपको ज़्यादा मिलेगा ठीक है तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर ओके स्पेरिकल कैपेसिटर कैसे वर्क करता है क्या फॉर्मूला होता है उसका लेट्स स्फ़ेरिकल uh, कैपेसिटर के लिए वी हैव स्पीयर ऑफ रेडियस आर ओके एक स्पीयर लिया आपने आर रेडियस का एंड इस स्पीयर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफ़ेस, ओके क्योंकि ये कंडक्टर है कंडक्टर के सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके okay? इसके इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्जेस भी जीरो सो क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अब चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है, है तो, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर हेयर क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ओके के इज कॉन्स्ट इसकी वैल्यू फिक्सड होती है नाइन इंटू टेन पावर नाइन ओके के की वैल्यू क्या होती है नाइन इंटू टेन पावर नाइन ये फिक्सड होती है अब बात करें हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टडी किया है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी वी के प्लस पे आप ये फॉर्मूला पुट कर दें क्यू बाई वी एस के क्यू डिवाइडेड बाई आर सो आर न्यूमरेटर में चला जाएगा क्यू से क्यू कैंसिल ओके अब वन बाई के अब इसे के की वैल्यू को आप वन बाई फोर पाए एप्सलन नॉट भी लिख सकते हैं ओके okay, सो so, इस इक्वेशन को इस तरह से फोर पाई एप्सलन नॉट इन आर इस तरह से आपने रिटर्न कर दिया ओके okay, अब इस फॉर्मूले से आपको ये बात पता चली कि सी किस पर डिपेंड करता है सी इज डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर ओके आर पर डिपेंड करता है एंड सी इज डिपेंड ऑन अफ्सलन नॉट ओके अफ्सल नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस ओके एयर के लिए होता है परमिटिविटी ठीक है तो एप्सलॉन जो है वो मीडियम शो कर रहा है तो सी जो है वो डिपेंड करता है आर पे सी डिपेंड करता है मीडियम पे तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी सी इज डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर ओके एज वेल एज द मीडियम ऑफ द कंडक्टर तो मीडियम क्या है एप्सलॉन नॉट मतलब एयर में है आपका कंडक्टर एंड डिपेंड आर आर इज रेडियस ओके अब देखिए अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करें के की वैल्यू क्या होती है नाइन इंटू टेन पावर नाइन और फोर पाई एप्सला नॉट हो जाएगा वन बाय ठीक है मीन्स जैसे अगर के की वैल्यू को आप क्या पुट करेंगे वन बाय फोर पाए एप्सला नॉट और इसकी वैल्यू होती है नाइन इंटू टेन टेन पावर नाइन तो फोर पाई एप्सला नॉट के लिए वैल्यू हो जाएगी नाइन इंटू टेन पावर वन बाय ठीक है अपॉन में हो जाएगी तो इस वैल्यू को आप यहां पर इस इक्वेशन में पुट करें एंड की वैल्यू को अगर आप वन मीटर लें आर की वैल्यू को क्या लें वन वन मीटर मीन्स वन मीटर स्पीयर का वन मीटर रेडियस का एक स्वीयर आप ड्रॉ करें और उसकी कैपेसिटेंस निकालना है आपको क्या करना है एक वन मीटर रेडियस का स्फीयर लेना है एंड उसकी कैपेसिटी क्या होती है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ठीक है सो सी इज इक्वल टू यहाँ वन मीटर लिया तो वन डिवाइडेड बाई नाइन इंटू टेन पावर नाइन अब इससे हम इस तरह से टेन अगर यहाँ टेन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं मैं सो टेन बाई नाइन इंटू टेन पावर यहाँ पे हुआ टेन ठीक है नाइन प्लस वन टेन सो सी इज इक्वल्स टू टेन बाय नाइन इट इज इक्वल्स टू सिमिलरली वन पॉइंट वन इंटू टेन पावर माइनस टेन ओके देखिए टेन की पावर माइनस टेन मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी का कैपेसिटेंस आपको मिलेगा इस कैपेसिटर स्फ़ेरिकल कैपेसिटर के थ्रू जो कि वन मीटर रेडियस का है मीन्स काफी ज्यादा बड़ा है कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी स्टोर करने की चार्जेस को वो काफी कम है तो ये कैपेसिटर तो यूज किया ही नहीं जा सकता जनरली हम स्पेरिकल कैपेसिटर यूज करते ही नहीं तो इससे हम इसी कारण से नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो काफी बड़ा है बट बड़ कैपेसिटी उसकी काफी कम है ओके okay. अगर इससे आप माइक्रोफराड में भी लिखें ये फराड में आई वैल्यू माइक्रो फराड में भी लिखें तो 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन पावर माइनस फोर हो जाएगा ठीक है माइनस सिक्स को माइक्रोफराड कर दें तो ये आपको और भी कम स्मॉल क्वांटिटी मिली ठीक है कैपेसिटेंस की तो इसीलिए हम जनरली स्पेरिकल कैपेसिटर यूज़ नहीं करते तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर स्पेरिकल कैपेसिटर यूज नहीं करते है, तो किस तरह का कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए तो हम यूज़ करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जनरली जो कैपेसिटेंस होती है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज टू होल्ड चार्ज वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर कैपेसिटर अदर शेप एंड साइज कैपेसिटर ओके सो पैरल प्लेट कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड uh, ये जो पैरल प्लेट कैपेसिटर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसका डेरिवेशन प्रूफ करेंगे और समझेंगे कि पैरल कैपेसिटर किस तरह से कैपेसिटेंस की वैल्यू को प्रोवाइड करता है फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लाइज ओके सो दैट्स इनफ फॉर टुडे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच